यस फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टुडेज टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गाइस इन मेनी इयर्स वी हैव सीन दैट के एग्जाम्स में आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी कंसेप्ट है गाइस वो थ्योरिटिकल तो देते ही हैं गाइस एग्जाम में, लेकिन गाइस वो न्यूमेरिकल व्यूज भी देते हैं, जैसे कि मल्टीपल टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइप के न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल कुछ गाइस हाईली कैलकुलेशन पर बेस्ड नहीं होते, समझो गाइस। इन इकोनॉमिक्स गाइस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं इन अ कैलकुलेशन फॉर्म, दे आर बेसिकली वेरी इजी, मतलब विदाउट कैलकुलेटर भी गाइस हम लोग उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेटर तो चलो ठीक है यूज भी कर सकते हैं, लेकिन गाइस वो जो क्वेश्चन होते हैं गाइस उनका मेन जो रीजन होता है आपके एग्जाम में आने का गाइस वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स के कुछ थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल व्यूज के लिए, ठीक है, मतलब आपका वो किसी भी थ्योरी का न्यूमेरिकल व्यू भी देखना चाहते हैं, ठीक है गाइस। सो आज गाइस हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली गाइस मैं आपको फॉर्मूलाज लिखाऊंगा आज यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूलाज, एंड यस गाइस फॉर्मूलाज में जो जो टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो जो टर्म्स गाइस यूज हो रहे हैं, वी बेसिकली ट्राई टू डिस्कस, बट गाइस ध्यान रखना बहुत कम डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाइस उससे रिलेटेड गाइस हम लोग इससे पहले की वीडियोस में काफी सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर अगर गाइस कुछ मान लो अगर आपको कोई एक आध टॉपिक या एक आध कोई टर्म ऐसी आ गई जो शायद आपको नहीं समझ में आए वो क्या है, तो गाइस डोंट वरी, आप पहले उसको वीडियोस में देखिएगा, अगर नहीं मिलती है तो गाइस फिर आप चाहो तो उसको गूगल सर्च भी कर सकते हो। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा टर्म्स नहीं होगा, बहुत बड़ा टर्म नहीं होगा, बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो गाइस बेसिकली हमारा पर्पज क्या है आज की क्लास का, we have to discuss all such type of numerical views or formulas जो गैस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और आते हैं, तो गैस मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट बेसिकली उसको नहीं जान पाते या उसको नहीं सॉल्व कर पाते, गैस उसके पीछे का रीजन आप शायद समझ गए हो, बिकॉज गैस हम लोग हर चीज को थ्योरिटिकल कंसेप्ट में पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो गैस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल व्यूज वन बाय वन, गैस मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ चीजों को, मतलब बेसिक इन वर्ड सेंस जो आपने एक आध फॉर्मूला पहले भी लिखा हुआ होगा मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हल्के हल्के करके गैस मैं चीजों को चेंज करता जाऊंगा, ठीक है बेटा। चलिए जी, देखो बेटा, जस्ट सबसे पहली चीज मैं अगर आपसे बात करूँ एनडीए पर एफसी, ये सब चीजें आप पहले भी डिस्कस कर चुका हो मेरे साथ में, ठीक है। एनडीए पर एफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है बेटा। अगर गाइस मान लो मैं इसमें से माइनस कर दूं इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग एक्वायरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, अगर आप इसमें से बेसिकली इस चीज को माइनस कर दो, गाइस ध्यान रखना ये सब चीजें गिवन होती है, एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस दैट विल कम्स इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, एंड गाइस ध्यान रखना इस टर्म को हम लोग बोलेंगे जेड, ठीक है। कभी अब देखो गाइस क्योंकि देखो इतना बड़ा टर्म है, अगर मान लो ये इस्तेमाल और होने लगा तो गाइस बार बार तो इतना टर्म हम लोग लिखेंगे नहीं, तो इसको गाइस हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जेड, ओके गाइस हम लोग इस चीज को बोलेंगे यहाँ पर जेड ना गाइस, जरा ध्यान से चीजों को समझना गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर। देखो बेटा दैट इज बेसिकली दैट, अब मान के चलो, अब देखो हमने कहा ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो गया इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर, मैंने जानबूझ के आपको चीज़ों को माइनस करा, उसके बाद बताया निकल के क्या आया, ठीक है। अब चाहते हो हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे समझना, अगर इस जेड में मैंने ऐड कर दिया एन एफ आई ए, यू नो व्हाट इज द एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ध्यान रखना फ्रॉम एब्रॉड, इट इज बेसिकली नेट, नेट का मतलब होता है फीफा माइनस फीटा, फ्रॉम एब्रॉड माइनस टू एब्रॉड, तो इट इज अ पॉजिटिव टर्म, सो दैट्स व्हाई ये एन एफ आई ए बोला जाएगा, ठीक है। आई रिपीट, एन एफ आई ए का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, दैट इज नेट सॉरी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक है। एंड बेसिकली ऑल्सो इफ वी एड, हमने क्या अगर यहाँ पे एड कर दी नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट, ठीक है बेटा, नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट, एंड ऑल्सो जस्ट वी एड ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट विल इक्वल्स टू बेसिकली योर प्राइवेट, जिसमें मैं आपको बताता हूँ योर प्राइवेट इनकम, ओके गाइज, जब हम लोगों की प्राइवेट इनकम होती है तो बेसिकली पैसे निकल के आती है, ठीक है, मतलब इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस सच ऑल थिंग्स, इसको भी हम ऐड करेंगे, मतलब इसमें हमने इसको ऐड किया ये ऐड हुआ, फिर ये ऐड हुआ, एंड देन यू विल गेट बेसिकली हमारा प्राइवेट इनकम, गॉट इट गाइज। नाउ कंटिन्यू गाइज, थर्ड फॉर्मूला। अब अगर गाइज हमने यहाँ पे प्राइवेट इनकम, मान लो पी वाई इज अ प्राइवेट इनकम, अगर हमने इसमें से माइनस कर दिया अनडिस्ट्रीब्यूटिव, क्या ध्यान रखना ये फॉर्मूला तो पहले भी कर चुके मेरे साथ में, ठीक है, लेकिन गाइज वहां कंसेप्ट था नेशनल इनकम से डिस्कस करते हुए इन फॉर्मूलास पर आना, यहाँ पे डिस्कशन इन फॉर्मूलास को स्टार्ट करके आगे तक आगे के कंसेप्ट डिस्कस करना, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स, तो इट इज बेसिकली पर्सनल इनकम, ठीक है, ध्यान रखना द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्राइवेट इनकम इन इकोनॉमिक्स फॉर्म इज द बेसिकली अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ऑल्सो द कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन टैक्स रिडक्शन, वैन यू रिड्यूस वैन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू बेसिकली टैक्सेज, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेशन टैक्स फ्रॉम द प्राइवेट इनकम, देन यू विल गेट यूर पर्सनल इनकम, आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज, हेयर इट इज, ठीक है। नाउ गाइज सो आगे बात करते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, नाउ द पर्सनल इनकम, मतलब अब अगर मैं गाइज पर्सनल इनकम में से माइनस कर दूंगा डायरेक्ट पर्सनल टैक्स एंड उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग मिसलेनियस रिसिप्ट्स, मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो इट विल बेसिकली इक्वल्स टू पर्सनल
डिस्पोजेबल इनकम, गॉट इट? इट इज पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. यू नो डिस्पोजेबल इनकम क्या होते गए, दैट गैस जो हमारी पर्सनल इनकम होती है. जैसे मैंने मान लो 100 रुपीज कमाए, ठीक है, तो 100 रुपीज इज माई पर्सनल इनकम. बट आफ्टर दैट अगर मैं वहां से डायरेक्ट पर्सनल टैक्स माइनस कर दूं, मतलब उसमें से मान लो टैक्स भी दे दिया 10 रुपए का, ठीक है, तो मेरे पास बचे 92 रुपीज. एंड ऑल्सो द मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, कोई भी अगर रिसिप्ट मुझे मिली है, ठीक है, रिसिप्ट गवर्नमेंट की साइड से, मान लो 20 रुपये मिली, 20 रुपीज मिली, मैंने और माइनस कर दिया तो रिमेनिंग बचे 70 रुपीज. तो दिस 70 रुपीज इज माई डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है. तो ये चीज़ गाइस अपने आप अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा कि भाई डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली होता क्या है, ठीक है. नाउ द फिफ्थ फॉर्मूला इज व्हेन यू बेसिकली, दिस इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. अब अगर गाइस आप इसमें से माइनस कर दोगे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन यू विल गेट व्हाट गाइस, यू विल गेट योर हाउसहोल्ड सेविंग्स. ओके, यू विल गेट योर हाउसहोल्ड सेविंग्स, ठीक है, यू विल गेट योर हाउसहोल्ड सेविंग्स, गॉट इट? And also guys, basically that third formula, you know, this is our household savings. If we basically add household savings, में अगर हमने add किया private corporate savings, private corporate savings, ठीक है, and also हमने add किया यहाँ पे government savings. गवर्नमेंट सेविंग्स एंड ऑल्सो हमने एड किया यहाँ पे डेप्रिसिएशन. इफ वी एड डेप्रिसिएशन ऑल्सो, देन वी विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स. अगर हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाता तो वो हमारी नेट डोमेस्टिक सेविंग्स होती, ठीक है. यहाँ तक गैस मेरी आपको बात समझ में आ गई अच्छे से. नाउ द सेवंथ फॉर्मूला, इफ यू बेसिकली दिस इज अवर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, GDS, ग्रॉस, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स. अगर गैस हम इसको डिवाइड कर दें GDP एट MP से, समझ रहे मेरी बात गैस, अगर हम इसको को डिवाइड कर दें GDP एट MP से एंड मल्टीप्लाई बाय 100, देन वी विल गेट द रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स. ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स, व्हाट इट गाइस, आई रिपीट, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स में से मैं अगर हमने उसको डिवाइड कर दिया GDP/MP से, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो हमें मिलेगा रेट मिल जाएगा. इसका मतलब बेसिकली परसेंटेज रेट, ठीक है. ठीक है गाइज, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से. अच्छा, एक फॉर्मूला और मैं यहाँ पे आपसे जस्ट डिस्कस करूंगा. व्हेन यू बेसिकली जस्ट एक कंसेप्ट मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, एक कंसेप्ट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक. वो चीजें जो इस्तेमाल होती हैं आपने देखी होंगी, बट बहुत डिटेल में या उनका फॉर्मूला चेंज नहीं पता होंगे, वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो ना हमारा, अगर आपको याद हो तो नेशनल इनकम में हम लोग गाइस जब पढ़ते थे ना एक्सपेंडिचर मेथड, टू मेजर द नेशनल इनकम बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, तो गाइस ये वहां पे आता था, ग्रॉथ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है. सो इस अगर गाइस देखो ये गिवन है तो अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं है तो क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो अगर देखो गाइस, अगर हमें यहाँ पे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा, आई रिपीट, अगर मुझे मिलेगा नेट डोमेस्टिक, आई रिपीट, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर गाइस मैं उसमें ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन, तो नेट का ग्रॉस बन जाएगा. अगर मैं उसमें ऐड कर दूंगा चेंज इन स्टॉक्स,
that is closing stock minus opening stock, then guys fixed ka basically variable ban jayega. Theek hai, to after that guys we will get gross domestic capital formation. Acha isko humne nikala bhi kyun hai, sometimes beta exam mein GDCF guys ise bolte hain GDCF. Guys agar hum isko divide kar dein, if we divide it by GDP per MP and multiply by 100, तो गैस हमारे निकल के आएगा रेट ऑफ GDCF. ओके गैस, गैस ये इसलिए लिखाए जा रहे हैं फॉर्मूले आपको कि इन एग्जाम बेसिकली वो हो सकते हैं आपसे थियोरेटिकल कंसेप्ट में ही पूछ लें एंड न्यूमेरिकल में तो पूछने के चांसेस हैं. सो एटलीस्ट आपको चीजें मालूम हो, ठीक है. लिखोगे तो गैस आप ऑब्वियसली आते अपने एक्सप्लेनेशन कैलकुलेशन भी गैस यू नो अब क्या क्वेश्चन बेस्ड बने, क्या क्या न्यूमेरिकल व्यूज रखे हैं आपके साथ में, ये सब चीजें कैसे डिस्कस करके, वो तो चीजें चलो बात की बात है, लेकिन आपको सब चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है. ठीक है बेटा, ये सब चीजें आपको बेसिकली मालूम होनी चाहिए. अच्छा एक चीज और है, नाइन्थ फॉर्मूला मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, नेट डोमेस्टिक सेविंग. यू नो अभी हमने निकाला था ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है ना, रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स. मैं आपको बताता हूँ ग्रॉस का नेट कब बन जाएगा, जब मैं यहाँ से बेसिकली डेप्रिसिएशन को हटा दूंगा. इफ वी बेसिकली सब्ट्रैक्ट, या तो यहाँ ना लगाऊं या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा, ठीक है. तो वी विल गेट नेट डोमेस्टिक सेविंग्स एंड आफ्टर दैट. अब देखो यहाँ पे गेम है, यहाँ पे छोटा सा गेम है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ इसको गाइस, देखो समझेगा अब ऐसे समझना. ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स में से हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन, तो वी विल गेट नेट डोमेस्टिक सेविंग्स. कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही इजी बात है. लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग निकाला था, वो कैसे निकाला था, GDS डिवाइडेड बाय GDP एट MP, ठीक है. अब आपसे कोई पूछे कि भाई हमें रेट ऑफ नेट डोमेस्टिक सेविंग निकालना है, तो आप बोलोगे ठीक है भाई आप नेट डोमेस्टिक सेविंग को डिवाइड कर दो, लेकिन किससे, किससे गाइस, आपने यहाँ पे जो ग्रॉस डोमेस्टिक GDP पर MP से किया, यहाँ पे GDP पर MP से किया, तो यहाँ पे किससे करोगे गाइस, हाँ जी यहाँ पे गाइस आप NDP पर MP से करोगे. डोंट बी कंफ्यूज कि सर यहाँ पे GDP पर MP से करना है, नहीं गाइस, गाइस जब आप ग्रॉस वाली वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आप ग्रॉस की मतलब डेप्रिसिएशन है, अगर न्यूमिनेटर में नहीं तो डिनोमिनेटर में भी नहीं होगा, मतलब इधर तो है, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन है न्यूमिनेटर में तो यहाँ भी होगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है अगर न्यूमिनेटर में नहीं है तो डिनोमिनेटर में भी नहीं होगा. सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला, जब हम इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर गाइस, तो गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी गाइस, ठीक है, इस चीज को गाइस भूलना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये सब चीजें. ओके गाइस, नाउ गाइस एंड गाइस देयर आर बेसिकली मोर सम मोर फॉर्मूला दैट वी वांट टू डिस्कस विद यू गाइस, मुझे आपसे डिस्कस करने हैं वो फॉर्मूला, ठीक है. इन एग्जाम बेसिकली वो पूछते हैं. अच्छा तीन फॉर्मूला तो गाइस वो हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के, यू नो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, यू नो वैल्यू एडेड मेथड, वो गाइस जिसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं. बस वो मेथड मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं गाइस आपसे यहाँ पे डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हूँ कुछ अलग ही फॉर्मूलाज, ठीक है, कुछ अलग ही फॉर्मूलाज, ठीक है. चलो गाइस जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, और गाइस मैं उनको कंटिन्यू ही ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैंने बीच में बात इसलिए बता दी कि नेशनल इनकम के वो तीन फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके, ठीक है. नाउ गाइस अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइवेट सेविंग की, मतलब प्राइवेट सेविंग जो हम पहले अभी डिस्कस किया था उस चीज को गाइस और थोड़ा सा ठीक से वे में, ठीक है, मतलब गाइस थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने का तरीका. प्राइवेट सेविंग को आप जस्ट फॉर्मूला हो जाता है उसका, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन,
थोड़ा सा और लिखने का फॉर्मूला बनेगा गाइस यहाँ पर, दैट इज प्राइवेट सेविंग का फॉर्मूला होता है वाई प्लस एन एफ आई है। या गाइस एक काम करते गाइस, ये ना थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स ही हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया ना इधर, आई थिंक प्राइवेट सेविंग नहीं, प्राइवेट सेविंग हाउसहोल्ड सेविंग्स आया था, नहीं हमने यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग निकाला, नहीं गाइस हमने प्राइवेट सेविंग नहीं निकाला। यस गाइस मतलब ठीक है, मुझे लगा शायद हमने प्राइवेट सेविंग भी निकाला, नहीं गाइस मैं आपको गाइस बता देता हूँ यहाँ पे, दैट इज वाई, मैं पहले टर्म लिख देता हूँ वाई प्लस एन एफ, जस्ट आई राइट इट फर्स्ट, एन एफ पी ए, वॉट इज एन एफ पी ए, दैट इज नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम एब्रॉड, एक ही बात है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एन एफ आई ए भी कह सकते हो इसे आप लोग, और एन एफ पी ए भी कह सकते हो, माइनस टैक्सेस, ठीक है, प्लस ट्रांसफर्स एंड प्लस इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, मैंने यहाँ पे सब कुछ ही लिखा है, इसे ट्रांसफर्स कहेंगे, इसे नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम एब्रॉड या फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोलेंगे, ठीक है गाइस, एंड माइनस कंजम्पशन, ठीक है बेटा, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। अच्छा यहाँ पे एक एक चीज छोटी सी ऐड कर लेना इधर, दैट इज अगर प्राइवेट सेविंग रेशियो पूछे हमसे कोई एग्जामिनर, तो फॉर्मूला होगा बेसिकली इसका प्राइवेट सेविंग्स अपॉन प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी तो आपको लिखने में आलस आ रहा होगा, आप सोच रहे हो यार क्यों लिखे हम, बोर हो रहे हैं, नहीं गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और फिर देखो मैं ये भी कह सकता था कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम से रिलेटेड फॉर्मूला याद कर लो, बुक से पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, गाइस ये आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता असेंबल करना, कि देखो एवरीथिंग इज इन यूनिवर्स, हर चीज यूनिवर्स में है, ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स सेड दैट कि सर ये तो बुक में थे, हाँ बच्चों बुक के तो लिखवा रहा हूँ, बट बस मेरा टैलेंट यहाँ पे ये है कि मैं आपको 10-12 बुक से इकट्ठा करके एक साथ गिनती करके गिनती से आपको सारे फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये असेंबलिंग करने की गाइस सारी कॉस्ट होती है, या असेंबलिंग करने की गाइस यहाँ पे मेहनत होती है, ठीक है, आप चाहो तो आप खुद भी इनको असेंबल कर लो, लेकिन गाइस आप क्या सोचते हो, आप अपने अपना टाइम असेंबलिंग में लगाना चाहते हो या असेंबल्ड चीज को पढ़ने में और समझने में लगाना चाहते हो, तो गाइस इसीलिए हम आपको असेंबल करके दे रहे हैं सारी चीजें, ठीक है, इसलिए गाइस इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, तो गाइस बोर मत होना। एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर आप सोच रहे होंगे सर इसके तो नोट्स दे देते हम पढ़ लेते, एक बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ गाइस, रिटर्न नोट्स जो हैंड आउट दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत रेयर टू रेयर चांस होता है कि कोई भी उसको पढ़ता होगा, गाइस वो पढ़े नहीं जाते, वो पढ़े रहते हैं वो कभी भी पढ़े नहीं जाते, वो पढ़े रहते हैं साइड में कहीं पे कहीं पर भी, ठीक है, तो गाइस हम आपको नोट्स बेसिकली मैं ट्राई करूंगा कि जितना मैं आपको लिखवा दूं, आई एम ट्राइंग टू एज मच एज पॉसिबल बेसिकली आपका रिटन कंटेंट बन जाए, बिकॉज गाइस आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है गाइस, इफ यू आर बेसिकली फेयर जो सब्जेक्टिव एग्जाम, सो गाइस इन अ सब्जेक्टिव एग्जाम यू हैव टू फोकस ऑन द राइटिंग स्पीड एंड द कंटेंट, यू नो राइटिंग स्पीड का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कीड़े मकोड़े मारोगे वहां पर एंड वट एवर द थिंग जो मना कुछ भी लिखोगे, नहीं गाइस एक तो राइटिंग साफ होनी, कंटेंट अच्छा होना एंड देन उसमें सामने स्पीड होना, ठीक है गाइस, सो प्लीज गाइस इसको अच्छे से नोट करना, ठीक है, इट्स अ गवर्नमेंट सेविंग्स, वो हमने ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग निकाला था, ठीक है, तो गाइस समटाइम्स बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज बजट सरप्लस, सोचो ना गवर्नमेंट की सेविंग हो रही है, सेविंग का मतलब क्या हो जाता है, जनरल लेवल पे बात करें तो टैक्स माने सब्सिडी या इनकम माने एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट का इनकम है टैक्सेस
एंड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, जस्ट उनके जी बार जो भी हो सकते हैं, सब्सिडी हो सकती है, ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, एक्स वेदर चीजें जो भी हो सकती हैं। तो अगर रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है, सो बेसिकली इट्स अ सरप्लस, बजट सरप्लस, गॉट इट। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस, जस्ट फॉर्मूला ही से डिस्कस करते हैं। सेविंग ऑफ गवर्नमेंट इक्वल्स टू गवर्नमेंट इनकम, यू नो व्हाट इज द गवर्नमेंट इनकम हियर, टैक्सेस। एंड गाइस वन मोर थिंग, टैक्स इज नॉट द ओनली गवर्नमेंट इनकम, ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम से टैक्सेस नहीं होता, मल्टीपल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम। मैंने कहा ना गाइस, हम लोग अभी अभी गाइस नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज का डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ बीच में टर्म्स आ रहे हैं गाइस, उन टर्म्स का अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द गवर्नमेंट, बेसिकली डिस्कस द सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम, वो एक अलग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक अलग डिस्कशन है, ठीक है। गवर्नमेंट इनकम माइनस गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, थोड़ा सा लिखने का तरीका हो जाएगा, टैक्सेस मतलब गवर्नमेंट की इनकम माइनस का ट्रांसफर्स माइनस का इंटरेस्ट इनकम टू, हाँ जी, इंटरेस्ट इनकम टू द सिटीजंस, समझो बात को। यहाँ पे हमने चीज लिखी थी यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम, तो ये कौन देता है इंटरेस्ट इनकम, प्राइवेट सेविंग भाई लोगों को कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, दिस इज बेसिकली इंटरेस्ट इनकम पेड, इंटरेस्ट इनकम पेमेंट्स, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम पेमेंट्स, ठीक है बेटा, यहाँ तक आप मेरी बात अच्छे से बेसिकली समझ गए होंगे। तो एंड माइनस वन मोर थिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट परचेज बेसिकली एक्सपेंडिचर्स कह सकते हो, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, कॉलेजेस हो गए, या गवर्नमेंट ने कुछ भी चीज़ बनवा दी है लोगों के लिए, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ तो कोई भी, जैसे एग्जाम्पल पोलियो की वैक्सीन होती है, ठीक है, अब वो क्या है, वो वैक्सीन जो है पोलियो की, जो बच्चों को पिलाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों को, ठीक है, तो वो क्या फ्री में बनती है, नहीं, उसके कॉस्ट होती है बनने की, क्योंकि बच्चों को फ्री में पिलाई जाती है, ठीक है, तो बेसिकली वो गवर्नमेंट परचेसिस है, ठीक है गाइस, तो वो चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। 13th फॉर्मूला इज क्या है यहाँ पर, दैट इज नेशनल सेविंग्स, ठीक है, इट्स अ नेशनल सेविंग्स, बेसिकली नेशनल सेविंग इज अ सम ऑफ गवर्नमेंट सेविंग एंड प्राइवेट सेविंग, ठीक है, इट इज अ सम ऑफ प्राइवेट सेविंग्स एंड गवर्नमेंट सेविंग, क्या ध्यान रखना, गवर्नमेंट इज नॉट द नेशन, गवर्नमेंट इज अ सब पार्ट ऑफ नेशन, वो कहते हैं ना कोई भी सरकार देश नहीं होती, देश में सरकार होती है, ठीक है, कभी 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 श्लोगन ने आपने सुना होगा ये, या कभी 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 ये स्पीचेस वगैरह में सुन लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्मूला लेके हम लोग, सेविंग इज इक्वल्स टू प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग, तो हाउ वी राइट इट इज, जो हमने मान लिखा था वाई प्लस एन एफ पी ए माइनस का टी प्लस का टी आर का, वो सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था, एक से लिख लेता हूँ इसको, एन प्लस का आई एन टी यानी इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम मतलब हमें मिल रही है यहाँ पे, माइनस का सी प्लस गवर्नमेंट सेविंग एज टैक्सेस माइनस टी आर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट माइनस का जी, ठीक है बेटा। तो अगर हम यहाँ पे जस्ट बेसिकली चीज़ों को सॉल्व करें तो यू नो माइनस का टी प्लस का टी प्लस का टी आर माइनस का टी आर प्लस का दिस एंड माइनस का दिस, ठीक है, हमारा यहाँ पे बना जी वो वाई प्लस का एन एफ पी ए माइनस का सी माइनस का जी। आपको पता है वाई इज व्हाट, जस्ट अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, Y is the private disposable income, you know, and
हाउ टू कैलकुलेट इट बेसिकली, प्राइवेट डिस्पोजल इनकम हमने इस चीज को कैसे कैलकुलेट किया था, प्राइवेट डिस्पोजल इनकम को हमने प्राइवेट सेविंग से, ठीक है, जस्ट मतलब प्राइवेट सेविंग में से माइनस किया था प्राइवेट, नहीं वेयर इट इज, आई थिंक मिलती नहीं चीजें, ये पर्सनल, या गाइस देखो पर्सनल प्राइवेट में वही गाइस टैक्सेस का हमने अगर सब्ट्रैक्शन कर देंगे हम यहाँ पे पर्सनल एंड प्राइवेट, वो गाइस यहाँ पे टैक्सेस का कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, आप जैसे इन फॉर्मुलाज को देखना आपको यहाँ जैसे का चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज बेसिकली डोमेस्टिक, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, दिस इज बेसिकली डोमेस्टिक एंड दिस इज बेसिकली यू नो नेशनल, नेशनल मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम, माइनस का कंजम्पशन माइनस का जी, तो वी विल गेट व्हाट गाइस, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। अच्छा मैं यहाँ पे आपको बस ये बताना चाहता था कि यहाँ पे जो वाई है, ये वाई हमारा प्राइवेट, ये वाई जो हमारा बेसिकली प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम है, मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में एरर कर गया, क्या यहाँ पे इज इक्वल टू होगा, ठीक है, प्लीज इसको चीज को चेक कर लेना, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम है, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम डिनोट एज वाई, ठीक है, ध्यान जो प्राइवेट डिस्पोजल इनकम है ये डोमेस्टिकली चल रही है, बस मैं आपको ये बताना चाहता था, ठीक है, ये डोमेस्टिक चल रही है, वो पर्सनल है प्राइवेट है वो बात एक अलग है, लेकिन ये डोमेस्टिक वे में चल रही है, एंड जब आपका डोमेस्टिक वाली चीज को मैं NFI या NFPA को ऐड कर दोगे बस वो GNP बन जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा यहाँ पे जस्ट एक फॉर्मूला इधर बन गया, ठीक है गाइस, प्लीज इसको गाइस भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। चलिए अब कुछ फॉर्मूलाज और हैं गाइस डिस्कस करने के लिए हमारे पास, तो जरा ध्यान से देखना गाइस यहाँ पर। अच्छा अब जो फॉर्मूला 13th है ना, हाँ 14th होगा गाइस, अब जो कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसके लिए मुझे आपको नोट भी लिखवाना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट पहले समझिएगा। देखिए होता क्या है कि GDP वगैरह चीजें होती है, जैसे आपको पता होता है कि हम लोग जैसे एग्जांपल GDP निकाल रहे होते हैं, GDP एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, जैसे आपको पता होगा जैसे, अच्छा पैसा समझो कि हमारी इकोनॉमी में कुछ चीजें जैसे GDP होती है, कभी कभी वो रियल GDP होती है, कभी कभी वो नॉमिनल GDP होती है। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूलाज में चेंजेस होंगे, नहीं गाइस फॉर्मूला रिमेन सेम, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। तो अब कब हम किस GDP को रियल बोलते हैं, कब हम किस GDP को नॉमिनल बोलते हैं, समझ लो गाइस। तो पता है क्या होता, उसमें ना हम लोग जो प्राइजेस ले रहे होते हैं बस उसी का गेम है, अगर वो करंट प्राइजेस की बात कर रहे हैं, अगर मान लो हम जीडीपी निकाल लें बट एट अ करंट प्राइजेस, गाइस ध्यान रखना करंट प्राइजेस है तो गाइस वो नॉमिनल GDP होगा, और गाइस अगर हम लोग निकाल लें एट अ कांस्टेंट प्राइस का मतलब हो जाता है कोई भी बेस ईयर, भाई उस बेस ईयर 2021 का या 2022 का या 2023 का या 2025 का या 2015 का, हम किसी को भी प्राइस को बेस मान लेंगे तो गाइस वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट मतलब रियल GDP, ठीक है। देखिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है बस नॉमिनल और रियल GDP के बारे में, ठीक है, तो इस चीज को गाइस आप थोड़ा सा अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा। सो इसमें गाइस फॉर्मूला सेम रहता है, बस मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी मालूम होना चाहिए, नॉमिनल GDP, जस्ट मैं बहुत बेसिक सी बात लिखूंगा गाइस, लिखना गाइस इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मोनेटरी नेशनल इनकम, मोनेटरी नेशनल इनकम, ठीक है, क्या जाने ना नॉमिनल GDP को मोनेटरी नेशनल इनकम भी कहते हैं। इट इज डिफाइंड defined as the value of goods
of goods and services. Of goods and services at current year prices. Current year prices. At current year prices. It is a poor indicator. It is a poor indicator of measuring economic growth. Economic growth. It is obtained by multiplying goods and services. Goods and services produced in a produced in a current year with current year prices. Okay, with current year prices. Okay. एंड मतलब गाइस इसको ना इसका जो न्यूमेरिकल व्यू है गाइस इसका थ्योरेटिकली बात एक ही है मतलब अगर आपने थ्योरी चीज समझ ली तो आप इसका मतलब न्यूमेरिकल क्योंकि गाइस इसका जो न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगे बस करंट और कांस्टेंट प्राइसेस की बात ही आएंगी ठीक है इसलिए गाइस मैंने आपको यहां पे लिखवाया फिफ्थ पॉइंट लिखना गाइस यहां पर 15 स्टेटमेंट में लिखना गाइस यहां पे रियल जीडीपी दैट इज also termed as GDP at constant prices. GDP at constant prices. It measures the actual growth of the economy it is obtained by multiplying goods and services by multiplying goods and services produced in a current year with the base with the base year prices with the base year prices okay continue likhna beta increase in real GDP means over time indicates improvement in performance of economy. Improvement in performance
improvement in performance of the economy. ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है? ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको जो समझ में आ गई आपको, तो ये चीज का अपने मायने में बेसिकली बहुत बहुत अच्छे से रखिएगा, ठीक है? नाउ गाइस, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी अगर आप चाहते हो, तो न्यूमेरिकल क्या है, बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल ही आएंगे एग्जाम में, मतलब बेसिकली अगर आप न्यूमेरिकल फॉर्म में देखो तो टेबल बनी हुई होगी आपको, ठीक है? एक टेबल बनी हुई होगी यहाँ पर, जिसमें आपको एक व्यू बता देता हूँ न्यूमेरिकल किस फॉर्म में होगा, ठीक है? ये मान लो ये टेबल बनी हुई है, और ये जो यहाँ पे ईयर्स होंगी, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ठीक है? जस्ट एग्जांपल, ठीक है? एंड एक एक टेबल जैसे एक बनी हुई है, यहाँ पे टर्म्स होंगे जो हमें फॉर्मूला के लिए इस्तेमाल कर ले, जीडीपी के लिए जो टर्म फॉर्मूलाज होते हैं। अब वो बोलते हैं कि भाई ये जैसे एग्जांपल ईयर थ्री के लिए आप जीडीपी निकालो, ठीक है? ईयर थ्री के लिए आप जीडीपी निकालो, ये मान लो ये ईयर ईयर थ्री का था, ईयर थ्री के लिए ईयर थ्री की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बोले ईयर थ्री का निकालो, अच्छा गाइस दीज आर द बेसिकली प्राइजेस, ठीक है? मतलब एट द व्हाट प्राइजेस, वैल्यूज एट द प्राइजेस। अब अगर बोलते हैं ईयर थ्री निकालो बट एट द बेस ऑफ ईयर वन प्राइजेस, तो गाइस वो बन जाएगा हमारा रियल। अगर आप ईयर थ्री का निकालते हो एट द बेस ऑफ ईयर थ्री, तो वो बन जाएगा गाइस हमारा नॉमिनल, ठीक है बेटा? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है, ठीक है? एग्जाम में अगर आएगा भी तो गाइस आप इजीली समझ जाओगे कि भाई वो क्या पूछना चाहते हैं आप, ठीक है? अच्छा, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट और है, जो थ्योरेटिकल 15 स्टेटमेंट थी, 16 गाइस, अब ना थोड़ी सी थ्योरी भी है एंड गाइस थोड़ा सा फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है? अच्छा, मैं एक चीज़ और करूँ करता हूँ गाइज, यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपसे जो डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस, गाइज मैं जस्ट कर लेता हूँ इसको, मतलब बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ कॉन्स्टेंट प्राइजेस इज इक्वल्स टू जीडीपी एट करंट प्राइजेस अपॉन में, मतलब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे, जगह बड़ी चाहिए, इज इक्वल टू में है जीडीपी एट करंट प्राइजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर ऐसे इंडेक्स वाली चीज बताऊंगा अभी आपको, मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर प्राइस इंडेक्स, ठीक है? बेस ईयर प्राइस इंडेक्स, गॉट इट गाइस? ध्यान रखना गाइस, बेस ईयर का मतलब हो जाता है कि आप बेसिकली कोई पुराना प्राइस मान के चलते हो, ठीक है? जैसे अगर आप देखो ये करंट ईयर है, ये करंट ईयर है, ठीक है? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने बेस ईयर से, तो बेस ईयर आप पुराना कोई प्राइस मान के चलते हो। ध्यान रखना, अगर मान लो गिवन नहीं है एंड वो आपसे पूछते हैं जी भाई जीडीपी निकालो करंट प्राइसेस पर, आई रिपीट, इफ दे आस्क्ड सॉल्व द जीडीपी फॉर करंट फॉर कॉन्स्टेंट प्राइसेस, सो एंड गाइज कुछ गिवन नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी, बेस ईयर गिवन नहीं है, तो गाइज अगर बेस ईयर ना गिवन हो तो जस्ट यूज और अज्यूम 800 मानना गाइज बेस ईयर, अगर ना गिवन हो कुछ भी, गिवन हो तो गाइज फिर एक बात अलग हो जाती है, ठीक है? ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अच्छा, इसमें एक टर्म आया प्राइस इंडेक्स, मैं उसी चीज को आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द प्राइस इंडेक्स हियर इन अ थ्योरी फॉर्म, ठीक है गाइज? लिखिएगा गाइज, अ प्राइस इंडेक्स इज अ मेजर, अ प्राइस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द एवरेज लेवल, एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेस फॉर, एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेस फॉर
particular goods. For particular goods and services. And services relative to base year prices. In other words, it is a measure of it is a measure of the current price level it is the measure of the current price level relative to base year ठीक है गाइस देयर आर अब देखो ये आपको समझ में आ गया होगा भाई प्राइस इंडेक्स जो होता है वो मेजर होता है एक एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस का किसी भी पर्टिकुलर गुड की बात कर लो जिसमें हम उसका बेस ईयर मान के चलते हैं ठीक है मतलब किसी भी गुड की प्राइस लेवल को उसका बेस ईयर से कंपेयर करो ठीक है मान लो आज हम बात करें कॉल रेट्स की तो आज से मतलब कॉल रेट्स मैं आपको समझ में आ रहा कॉल रेट्स गाइस आपके घर में जो थोड़ा बड़ा होगा जिसकी उम्र बेसिकली 40-50 साल होगी या 30 साल से ऊपर भी होगी 35 साल से ऊपर भी होगी तो क्या उनसे पूछिएगा कि आज से बेसिकली 20-25 साल पहले कॉल रेट्स क्या हुआ करते थे और आज कॉल रेट्स क्या है गाइस बहुत महंगे कॉल रेट्स हुआ करते थे मतलब बहुत बहुत महंगे मतलब उस टाइमिंग में आज से 25 साल पहले मेरी मदर बताती हैं ठीक है तो कि 1999 में वो जस्ट इंडिया से बाहर गई थी तो उन्होंने मतलब वो बाहर गए थे मतलब पेरेंट्स वगैरह तो उन्होंने इंडिया में बात की थी तो इतना कॉस्टली पड़ा था कॉल करना उन्होंने बताया था कि ISG कॉल आई थिंक 25 साल पहले 3 रुपये पर मिनट 25 साल पहले 3 रुपये की गाइस वैल्यू बहुत हुआ करती थी समझ लो गाइस 3 रुपये की वैल्यू मान के चलो आज की डेट में कम से कम जस्ट नॉर्मल वे में बात करें तो 100-150 रुपये की जस्ट हम मान के चलो 100 रुपये की वैल्यू होगी आज की डेट में 100 रुपये वैल्यू गाइस कॉल की नहीं इनफैक्ट अनलिमिटेड हो जाता है रिचार्ज करो अनलिमिटेड कॉलिंग है तो बेसिकली कॉल रेट्स की अगर बात करें तो गाइस कॉल रेट में काफी ज्यादा डिफ्लेशन आया है ठीक है मैंने वर्ड यूज किया डिफ्लेशन एक होता है इन्फ्लेशन समझ लो गाइस सो दिस इज बेसिकली प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड फॉर बेसिकली प्राइस इंडेक्स और ऑन अ बेस ईयर इज यूज्ड फॉर अ मल्टीपल मेजरमेंट्स ठीक है जस्ट लाइक एग्जांपल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और GDP डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गाइस मल्टीपल चीजों में गाइस प्राइस इंडेक्स को इस्तेमाल किया जाता है ठीक है बहुत ज्यादा तो गाइस मैं यहीं पर ही इसको जस्ट दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं फर्स्ट पार्ट दैट इज GDP डिफ्लेटर ठीक है इट्स अ GDP डिफ्लेटर एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ठीक है तो गाइस ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे प्राइस इंडेक्स हैं हाँ अब मैं गाइस इन दोनों को अलग अलग तरीके से डिस्कस करूंगा जैसे कि अब 17th फॉर्मूला में या स्टेटमेंट में GDP डिफ्लेटर की बात करते हैं ठीक है GDP डिफ्लेटर दूसरा कलर इस्तेमाल कर लें आप ग्रीन ले लेते हैं या गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बेसिकली फोकस ऑन कि व्हाट इज GDP डिफ्लेटर ध्यान रखना गाइस GDP डिफ्लेटर का बेसिकली एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं आपसे बात करूं इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ नॉमिनल GDP टू रियल GDP एंड फॉर परसेंटेज वैल्यू वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय इट बाय 100 ठीक है इट इज बेसिकली मैं गाइस इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी अपनी लिख देता हूं इट इज इट मेजर्स द
it measures the average, it measures the average level of prices, average level of prices of goods and services that are included, that are included in GDP, that are included in GDP. It can be used to convert, it can be used to convert nominal GDP to real GDP. Sometimes it is used, okay? It eliminates the effects of price basically increases and determine the real change in physical output. ठीक है, real change in a physical output. Got it guys? ये चीज गाइस अपन माइंड में रखिएगा. बेसिकली ना आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है. एंड थ्योरेटिकली तो बहुत मुश्किल है आना, फॉर्मूला गाइस आप इसका बेसिकली याद रखिएगा. क्वेश्चन भी बहुत गाइस इजी से ही अवेलेबल होंगे, ठीक है. तो मेरे लिए गाइस एक 18th कांसेप्ट आप लिख लीजिए यहां पर, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज CPI, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. व्हाट इट गाइस, बेसिकली व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यू नो बेसिकली होता क्या है कि गाइस जब भी, जस्ट एग्जांपल हम अगर किसी फैमिली की बात करें, तो गाइस वो फैमिली क्या करती है, अपने नॉर्मली एक्सपेंडिचर्स को महीने के मंथली टू मंथली एक्सपेंडिचर गाइस वो नॉर्मली चेक करते रहते हैं, ठीक है. जैसे इस महीने राशन आ रहा है, घर का सामान आना है, या फ्यूल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर्स होते हैं. तो CPI के मेजर दे एनी फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेजेस, ठीक है. व्हेन यू बेसिकली डिस्कस द फिक्स्ड बास्केट, भाई अगर आपकी कार में या बाइक में फ्यूल डल रहा है महीने का, तो यू आर जस्ट इमेजिन कि भाई अगले महीने भी उतना डलेगा. जैसे आपको अपने खर्चे पता है, ड्राइविंग खर्चे, ड्राइविंग एक्सपेंसेस पता है आपको, तो मेरा फ्यूल इतने लीटर हर महीने डलता है. हाँ, वो बात अलग है कि प्राइसेस ऑफ फ्यूल, पेट्रोल के प्राइस क्या हो रहे हैं, वो एक अलग चीज है गाइस. लेकिन जैसे हमको अगर पता होता है कि हमारे खर्चे क्या है, तो गाइस हम उसी वे में चलते हैं. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर फॉर एवरी फैमिली, फॉर एवरी पर्सन, बिकॉज गाइस जब भी वो अपने बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, तो दे ट्राइड के भाई जो लास्ट मंथ का खर्चा हुआ था, इस मंथ भी उतना ही खर्चा होना चाहिए, ठीक है. तो इट इज बेसिकली यूज, अपन गाइस जाने ना, इट इज मोर और लेस बेसिकली यूज फॉर अ फैमिलीज, ठीक है. इसलिए गाइस जस्ट इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं आपसे, ठीक है, जस्ट इसके फॉर्मूला की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो CPI इज, इसके लिखना गाइस, दैट इज प्राइस of basket, price of basket in current year upon price of basket in base year.
बेस ईयर, ठीक है, प्राइस ऑफ बास्केट इन बेस ईयर, गॉट इट गाइस, एंड ऑल्सो फॉर द परसेंटेज वैल्यू वी हैव मल्टीप्लाई बाय इट बाय 100, ठीक है गाइस, ये जो गाइस फॉर्मूला होता है बस इस चीज को आप याद रखिएगा, मतलब करंट ईयर का प्राइस ऑफ बास्केट, बास्केट मतलब जो भी हम कंज्यूम करते हैं महीने का, आप सीधे सा एग्जाम्पल समझ लो, जो हमारे घर में महीने का जो किचन का सामान आता है, जस्ट उसके एग्जाम्पल की बात कर लो, ठीक है, इस महीने का और पिछले महीने का और पिछले महीने का, ठीक है, जो वो कहते हैं ना कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है ये सेंटेंस सबसे पहले जो सुनने में आता है, जो 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 किचन का ऑनर होता है हमारे घर का, होम मिनिस्टर होता है हमारे घर का, मतलब मदर, सिस्टर, वाइफ, ठीक है, जो भी मतलब घर का किचन को संभालते हैं, वो उनके साइड से सबसे पहले सुनने को आता है, क्योंकि वो मंथली पैसे लेते हैं ना किचन के सामान के लिए, तो वो बताते हैं हाँ जी प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा गाइस यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा लिख भी लीजिएगा, ठीक है, बेसिकली CPI मेजर्स प्राइजेस ऑफ बाइंग फिक्स्ड बास्केट, फिक्स्ड बास्केट फॉर ऑफ कंज्यूमर, ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, CPI is calculated, CPI is calculated on monthly basis, monthly basis, ठीक है, while GDP, देखो ये भी आपको समझना जरूरी है, while GDP deflator, while GDP deflator is a price index with changing basket, ठीक है, मतलब जो deflator वाला होता है वो change in basket की बात करता है, और यहाँ पे fixed basket रहती है, ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको बेसिकली समझ में आ गई अच्छे से बढ़िया से, क्लियरली गाइस, ओके, नाउ गेट फाइनल फॉर्मूला, 19th फॉर्मूला, दैट इज इन्फ्लेशन, यह देखिए इन्फ्लेशन का जनरल फॉर्मूला बहुत इजी रहता है, ठीक है, दैट इज हम लोग यहाँ पे प्राइस इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट प्राइस इंडेक्स यूज कर रहे हैं, टुडेज प्राइस एंड यस्टरडेज प्राइस, तो जस्ट बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज P2 माइनस का P1 अपॉन में P1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो इट इज बेसिकली बहुत बहुत बेसिक फॉर्मूला, ठीक है गाइज, तो इसको गाइज अब जस्ट भूलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है गाइज, अब गए देखो एक तो ये हो गया, मैं आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन का एक फॉर्मूला और बताऊंगा, ठीक है, बाय यूजिंग GDP डिफ्लेटर, ठीक है, फिर GDP डिफ्लेटर ऑफ जस्ट एग्जांपल ऑफ एन ईयर, ठीक है, GDP डिफ्लेटर ऑफ एन ईयर, मैंने यहाँ पे एन लगा दिया, माइनस GDP डिफ्लेटर ऑफ एन माइनस वन ईयर, गॉट इट, अपॉन में GDP deflator of n minus 1th year multiplied by 100, ठीक है, यदि ये जस्ट एग्जाम्पल ऐसे मैंने बता दिया, अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम करने लगे एग्जामिनर आपके साथ में न्यूमेरिकल व्यूज में, ठीक है, तो आप यदि इस चीज को वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, इसे अलग से आप 20th फॉर्मूला कह सकते हो इन्फ्लेशन का, ठीक है गाइस, तो गाइस हमने यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूलाज का डिस्कशन किया है, काफी सारी चीजें डिस्कस करी है, ठीक है गाइस, तो इनको अच्छे से लिख लेना, अच्छे से समझ लेना गाइस, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, देखना आपकी न्यूमेरिकल कमांड बन जाएगी, ठीक है, हाँ, अब आते बात के सर क्वेश्चंस की, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेसिकली वो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछेंगे, सो वेट एंड वॉच गाइस, करते हैं इसके लिए भी कुछ हम लोग, ठीक है गाइस,
चलिए ओके गाइस।